सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपने ऑनलाइन क्लासेस का सातवां दिन है। अपन ने इससे पहले छठी क्लास में ट्रांसफार्मर का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा और कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में आज का अपना टॉपिक है परिणामित्री की संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। और जो ट्रांसफार्मर का जो चैप्टर होता है वो इलेक्ट्रिकल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना है। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं अपन, यानी कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना कैसे होती है, वो किस से बनता है और कैसे बनाया जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसके मुख्यतः उसमें कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है चुंबकीय क्रोड, क्रोड हिंदी में बोलते हैं, बाकी इसको बोलते हैं चुंबकीय क्रोड को इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक कोर बोला जाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कोर। और दूसरा भाग है वाइंडिंग या कॉयल, यानी कि वाइंडिंग और कॉयल, ये इसके दो भाग हो गए। यानी कि चुंबकीय कोरें होती है इस तरीके से, देखिए अपन ये अलग अलग क्या ऐसे कोरे होती है जिनको क्या किया जाता है? लेमिनेट करके फिर यू लगाया जाता है, फिर यहाँ पर क्या की जाती है? इन दोनों के इन साइड पे वाइंडिंग करते हैं अपन। तो ये दो भाग हो गए, एक तो ये कोरे हो गई ये जो लगाई वो, और ये दूसरा भाग क्या हो गया? इसकी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, तो इसके दो भाग हो गए, चुंबकीय क्रोड और दूसरा हो गया वाइंडिंग या कॉइल। तो अपन पहला पॉइंट लेते हैं चुंबकीय क्रोड। चुंबकीय क्रोड कैसे बनी होती है? इस तरह से बनी होती है, ये यहाँ पर क्या अलग अलग पत्तियाँ होती है, लेमिनेटेड पत्तियाँ होती है, और ये वाला इस वाले भाग को बोलते हैं लिम्ब, और इस वाले भाग को भी क्या बोलते हैं? लिम्ब। अब लिम्ब क्या होता है? यानी कि जिस पर वाइंडिंग की जाती है ट्रांसफार्मर की उसको लिम्ब बोलते हैं, और बाकी इस पूरे को क्या बोला जाता है? योक बोला जाता है। यानी योक का मतलब योक भी बोलते हैं, फिर योक या बॉडी, इसके दो नाम हैं। तो चुंबकीय क्रोड में अपन इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। अभी चुंबकीय क्रोड क्या काम करता है तो देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के लिए रास्ता प्रदान करता है। जो चुंबकीय क्रोड होता है वो क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स के लिए रास्ता प्रदान करता है। फिर दूसरा पॉइंट है क्रोड कोर, यानी कि क्रोड और क्वेश्चन में लिख रखा है कोर, में दो प्रकार की हानियाँ होती है। कितने प्रकार की हानियाँ होती है? दो प्रकार की होती है। वैसे तो ये खाली किसकी बता रहा हूँ मैं? क्रोर की बता रहा हूँ, बाकी पूरे ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो तीन प्रकार की हानियाँ हो जाती है, जैसे एक हिस्टेरेसिस हो गया, फिर एडी करंट हो गया, और फिर तीसरी हानि और होती है कॉपर लॉस और होता है, यानी कि आई स्क्वायर आर, लेकिन वो किस में होता है? वाइंडिंग में होता है। तो अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं चुंबकीय कोर और वाइंडिंग, दोनों में अलग अलग पढ़ेंगे, इसलिए वो उसमें लिखेंगे वाइंडिंग में आई स्क्वायर आर लॉसेस बताएंगे। इसमें खाली दो प्रकार की हानि होती है, कौन कौन सी? हिस्टेरेसिस हानि और एडी करंट, और ये दोनों हानियाँ किसके अंतर्गत आती है? आयरन लॉसेस के अंतर्गत आती है, यानी कि लो हानिया के अंदर। अपन आगे और पढ़ेंगे हानिया के लिए, अलग से एक वीडियो और बनाएंगे, इसमें खाली जनरल बता रखा है। तो इसमें कितने प्रकार की हानियाँ होती है? दो प्रकार की, हिस्टेरेसिस हानि, यानी कि हिस्टेरेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शैथिल्य। क्या बोला जाता है? शैथिल्य हानि, यानी कि बाकी बोलते हैं इंग्लिश में इसको हिस्टेरेसिस लॉस। और दूसरा है एडी करंट, ये इंग्लिश नाम है, और हिंदी में इस लॉस को बोला जाता है भंवर धारा। कौन सी धारा बोला जाता है? भंवर धारा। अब ये भंवर धारा और हिस्टेरेसिस, अभी हिस्टेरेसिस जो लॉस होता है इसको कम करने के लिए क्या करते हैं वो ये मैंने बता रखा है। देखो यह लिख रखा है, इसलिए सामान्यतया क्रोड को उच्च ग्रेड सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील से बनाएंगे तो क्या होगा? जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो किससे बनाया जाता है? ये उच्च ग्रेड सिलिकॉन स्टील से। इसमें एक लाइन और भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये सिलिकॉन स्टील होता है ये हाई मैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी कि हाई परमियाबिलिटी होता है, यानी कि इसकी चुंबकशीलता क्या होती है? वो ज़्यादा होती है, यानी कि हाई परमियाबिलिटी मटेरियल है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील से ही बनाते हैं, जिससे क्या हो? शैथिल्य हानि कम हो जाए, यानी कि शैथिल्य हानि या हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाए। फिर क्या करते हैं, अभी एडी करंट लॉस भी होता है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है वो इस दूसरे पॉइंट में बता रखा है। सॉरी, पहले पॉइंट देख लेते हैं, सिलिकॉन स्टील से हिस्टेरेसिस शैथिल्य हानि क्या होती है? कम होती है। सिलिकॉन स्टील लेंगे तो क्या हानि कम होगी? हिस्टेरेसिस की हानि। अब दूसरी है भंवर धारा, तो यानी एडी करंट, इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? जो एडी, देखो एडी करंट यानी कि भंवर धारा को कम करने के लिए क्या करते हैं अपन? कोर या क्रोड पर
पतला लेमिनेशन किया जाता है, यानी कि लेमिनेशन को अगर यहाँ पर एक दूसरा नाम और भी दे सकते हैं इसको अपन, इसको वार्निश भी बोल सकते हैं। यानी क्या किया जाता है, जो सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियाँ होती हैं उनको क्या किया जाता है, वार्निश से लेमिनेट किया जाता है और फिर उसको रिवेट करके लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर रिवेट कर देते हैं सबको एक साथ में, फिर उसके ऊपर क्या बनाई जाती है, वाइंडिंग की जाती है। अब अपने को पहला भाग हो गया है चुंबकीय, देखो इसके दो भाग थे ना, चुंबकीय क्रोड और कोर। दूसरा भाग क्या था, वाइंडिंग, यानी चुंबकीय क्रोड तो अपने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है अपने को, वाइंडिंग या कोयल के बारे में पढ़ना है। हाँ, तो अपना दूसरा पॉइंट है वाइंडिंग या कोयल। देखो इसमें एक चित्र बना रखा है, इसमें एक लाल कलर का बता रखा है जो क्या था आपने, चुंबकीय कोर थी, फिर ये ब्लैक कलर की और चीज़ बता रखी है, ये क्या है, वाइंडिंग है। तो ये भी जो चित्र बता रखा है ये किसका है, सिंगल फेज का ही बता रखा है अपने ने, इसलिए इसमें कितनी वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग है, बाकी थ्री फेज का होता है तो तीन वाइंडिंग भी होती है और छः वाइंडिंग भी होती है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग बता रखी है मैंने, ये देखो, एक है प्राइमरी वाइंडिंग जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, प्राथमिक कुंडली, और दूसरी क्या हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी इसको क्या बोलते हैं अपन, द्वितीयक कुंडली। तो ये वाइंडिंग जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि सारा काम ये वाइंडिंग की वजह से होता है। और ये जो ये अपन लेते हैं ना चुंबकीय कोर, इसके लिए किसके लिए लेते हैं, फ्लक्स के लिए, रास्ता प्रदान करने के लिए, अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। तो ये किसने, चुंबक के लिए काम में लेते हैं, बाकी इन दोनों वाइंडिंग का आपस में इलेक्ट्रिकली यानी कि विद्युतीय रूप से किसी प्रकार का जुड़ाव नहीं होता है, देख सकते हैं चित्र में आप, क्योंकि ये वाली वाइंडिंग इसका पहला मुँह इधर हो गया और दूसरा मुँह इधर निकल रहा है, यानी कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, इंसुलेट की हुई। दूसरी बात ये, जब इस वाइंडिंग को यहाँ पर लपेटा जाता है तो बहुत ध्यान रखा जाता है कि इस जो वाइंडिंग जो है इसके टच नहीं हो जाए, क्योंकि ये जो टच कैसे नहीं होगी, क्योंकि इस ये जो वाइंडिंग होती है, कौन सा तार होता है, सुपर इनेमल तार होता है, इस तार के ऊपर भी क्या चढ़ा होता है, लेमिनेशन चढ़ा होता है, और ये जो होती है इस ये इसके ऊपर भी क्या है, लेमिनेशन किया हुआ ही, तो ये इसके तार ऐसा नहीं है जब वाइंडिंग कर रहे हो तो क्या हो जाए, तार छिल जाए और इसके टच हो जाए, बाकी तो क्या होगा, अर्थ फॉल्ट हो जाएगा, इसमें भी करंट आएगा, तो ऐसा नहीं करना है, तो ध्यानपूर्वक ये वाइंडिंग की जाती है। तो ये इधर जो वाइंडिंग करेगी ये कौन सी है, प्राथमिक वाइंडिंग, और ये कौन सी हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। यानी प्राथमिक की तरफ अपन क्या लगाएंगे, इनकमिंग सप्लाई से लगाएंगे, और इधर किसके लिए लगाएंगे, लोड के लिए लगाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कुंडलियों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुंडलियाँ किसके लिए काम में आती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए काम आती है, और इसी में क्या बनता है, चुंबक बनता है, जिससे इससे इसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। क्या होता है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले एक लाइन में कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका सीधा सा एक ही आंसर है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको एक ही आंसर देना है सीधा सा। फिर दूसरा पॉइंट है कुंडलियाँ तांबे यानी क्वेश्चन में लिख रखा है कॉपर के तार से बनाई जाती है। किसे बनाई जाती है, तांबे या कॉपर के तार से बनाई जाती है। लेकिन इसका अगर इससे बना ये तो इससे ये क्यों जो मटेरियल होता है क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, यानी कि इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, इसीलिए तांबे का तार प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर एल्यूमिनियम का तार भी लेते हैं, लेकिन वो इतना सही नहीं है, भले सस्ता ज़रूर पड़ता है लेकिन उससे लॉस ज़्यादा होते हैं, तांबे का तार सबसे उपयुक्त रहता है, इसलिए मैंने तांबे का तार ही लिखा है यहाँ पर। फिर तीसरा पॉइंट है यह कुंडलियाँ चुंबकीय कोर के लिंब के ऊपर लपेटी जाती है। किसके ऊपर लपेटी जाती है, इससे पहले मैंने बता दिया था लिंब, उसके ऊपर क्या है, ये जो कोयल है लपेटी जाती है। फिर और यह एक दूसरे से इंसुलेट रखी जाती है, यानी कि कोयल क्या है, देखो यहाँ पर एक दूसरे से लपेट रहे हैं, लेकिन ये तो भी क्या है, टर्न्स एक दूसरे के टच नहीं है, ऊपर लपेटे लेकिन इनके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, लेमिनेशन चढ़ा हुआ है। फिर कुंडलियों में देखो मैंने पहले बताया था एक लॉस, दो लॉस तो अपन पढ़ लिया था, हिस्टेरेसिस और एडी करंट, तीसरा लॉस ये और आ गया। कुंडलियों में कौन सा लॉस होता है, आई स्क्वायर आर हानि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, ताम्र हानि, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कॉपर लॉस कहते हैं। तो यानी जो कुंडलियों में कौन सी हानि होती है, आई स्क्वायर आर हानि होती है, जबकि चुंबकीय कोर में कौन सी हानि होती है, हिस्टेरेसिस हानि और एडी करंट लॉस, ये दो हानि होती है, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट। और ये इसमें कौन सी हानि होती है, तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग भाग नहीं है, इसके अंदर कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता, इसलिए इसके अंदर फ्रिक्शन हानि नहीं होती। कौन सी हानि नहीं होती है, जो फ्रिक्शन हानि होती है, फ्रिक्शन लॉस, और इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं घर्षण, ये नहीं होती है,
ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये वाली हानि कभी नहीं होती इसमें, इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। धन्यवाद आज के लिए, बस।